सो ये सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो किसने रिकॉर्ड किए, मतलब जो सारे इवेंट्स द पास्ट इवेंट दे वर रिकॉर्डेड बाय द स्क्राइब्स। द स्क्राइब्स मीन्स मुंशी। मुंशी वो लोग थे जिनको उस टाइम में पढ़ना लिखना मतलब ये सब कुछ आता था, तो उन उस टाइम में ये इन लोगों द्वारा ये सब चीजें क्या हुई, रिकॉर्ड करके रख गई, लिख के रखी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके भी लोग इस टाइप से रहा करते थे। आफ्टर दैट वी हैव अ टॉपिक दैट व्हाट डू डेट मीन। तो अब डेट्स, डेट्स जैसे तारीखों का क्या मतलब है, इसमें दो टर्म्स दी गई हैं। देयर वी हैव अ टू टर्म्स दैट अ बीसी एंड अ एडी। द बीसी मींस द बिफोर द बर्थ ऑफ अ क्राइस्ट। क्राइस्ट मे बी यू हैव नो अबाउट दैट द जो मतलब क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं उनके भगवान जो है उनको क्राइस्ट बोला जाता है, तो उनके जन्म का यहां वर्णन किया गया है। सो उन्होंने ये बताया है कि बीसी उन वो टर्म है जो उनकी बर्थ के पहले की बात की गई थी। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ टर्म एडी। द एडी टर्म मीन्स द आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, और ये वो टर्म है जो क्या है, क्राइस्ट के मतलब यीशु मसीह जी के बर्थ के बाद की, उनके जन्म की बाद की बात की गई थी। और इसको और क्या बोल दिया गया है, इसको एनो डोमिन और कॉमन एरा, सीई भी बोलते हैं, और एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिन और सीई की फुल फॉर्म है कॉमन एरा। सो फॉर दिस फॉर टुडे दैट्स इट।